तो इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, देहरादून में अध्यादेश की तैयारी के लिए भी दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर, तो देहरादून से बड़ी खबर है, महिला आरक्षण पर सीएम धामी का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की दी स्वीकृति। अध्यादेश की तैयारी के भी दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर सीएम धामी का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की दी थी स्वीकृति। अध्यादेश की तैयारी के लिए भी दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर सीएम धामी का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी द्वारा दायर करने की दी स्वीकृति। अध्यादेश की तैयारी के लिए भी दिए निर्देश। देहरादून से बड़ी खबर, महिला आरक्षण पर सीएम धामी का एक्शन। सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने की दी स्वीकृति। तो इसी खबर पर ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए जो है स्वीकृति जो है वो मिल चुकी है। अध्यादेश की तैयारी से जो है निर्देश दे दिए गए हैं, और क्योंकि लंबे समय से जो है मांग थी जो महिला आरक्षण को लेकर के, उसपे जो है धामी सरकार की जो पहल है उसपे जो है धामी का एक एक्शन जो है वो सामने आया है। लगातार जिस तरीके से चापातोड़ एक्शन में जो है वो धामी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि चाहे वो प्रदेश के जन जुड़े जो जन समस्याएं हैं वो, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर के बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के लगातार धामी जो है धामी सरकार जो है वो कार्य कर रही है। और लंबे समय से जिस तरीके से महिलाओं पर आरक्षण को लेकर के जो है एक मुहिम पूरे प्रदेश के अंदर चल रही है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के भी एक बड़ी जो है राहत वाली बात कहा जाए, या आगे जिस तरीके से आदेश दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं एक बार धामी की बड़ी पहल जो है वो कहा जा सकता है। और देहरादून से इस समय की ये बड़ी खबर है कि आरक्षण को लेकर के जो है एक पहल जो है वो धामी सरकार धामी ने जो है वो एक्शन लेकर दी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी तमाम जानकारी के लिए। तो महिला आरक्षण पर सीएम धामी का एक्शन।